धूमधाम से मना बाबा का उर्स 35 साल से चला आ रहा है यह, और हर वर्ग के लोग होते हैं शामिल, हिंदू हों या मुस्लिम या सिख या ईसाई। यहाँ पर लोगों को खाना खिलाया जाता है। कत्ती नसीन है मुन्ना भाई जिनका आशीर्वाद लेने के लिए लगा लोगों का ताता। पूरी सुरक्षा थी तैनात, छोटे हो या बड़े सबके चेहरे पे थे मुस्कान। कव्वाली के साथ गीतों ने बांधा समा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आने वाले समय में और भी भव्य बनेगा बाबा का उर्स। मुन्ना भाई ने भी की तारीफ और कहा कि हर साल बाबा का उर्स इसी तरीके से धूमधाम से मनाया जाता है। आगे क्या बोले भोजपुरी फिल्मों के राइटर नौशाद गाजीपुरी। आपके यहाँ बाबा का उर्स का कार्यक्रम क्या बताएंगे इसके बारे में? उर्स हर साल हम लोग इसी तरह करवाते हैं धूमधाम से। हमारे भाई साहब कपिल सिंह हैं जिनका नाम है। देखा जाए तो कितने वर्षों से ये कार्यक्रम आप लोग लगातार कम से कम 35 और बाबा का जो उर्स है वो कौथा उर्स मनाया जाता है 34वां 35वां उर्से मुकद्दस। इसमें मैंने देखा कि तमाम लोगों को यहाँ प्रसाद भोजन का व्यवस्था की, क्या बताएंगे इसके बारे में? ऐसा होता है लोग दूर दूर से आते हैं और प्रसाद के रूप में भोजन भी रखती है और यहाँ पर बाबा के चाने वाले आते हैं। उसको देखा जाए तो तमाम दुकानें भी लगी हुई जहाँ चादर पोशी के लिए लगी हुई, क्या बताएंगे? सब आते हैं श्रद्धालु अपना चादर माला लेते हैं, उनकी दुकानदारी चलती है। बाबा के बारे में कुछ जरूर मैं जानना चाहूँगा। बाबा की सारे बहुत अलग है। मेरे भाई साहब का तबियत खराब था, ये दीन के सरवर तो पहुंचे काबिले खुमे गदीर पर जाकर तो क्या मौजू मकाम पे थे शाहिद अहल नजर उस मकाम पे लाखों लाख सहाबाए किराम थे और जिसने नबी को माना वो अली को माना और जिसने बुग्ज रखा वही जगह सक लिया, समझ ले। तो जमा उस मकाम पे दे साहिब अहले नजर और वाली को करके बुलंद ये बोले पैगंबर आहे माने बोले